नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। आपको बता दें कि आज हम इस वीडियो एसएससी सीएचएसएल की न्यू रिक्रूटमेंट आउट की गई है। अगर आप लोगों ने 12th पास किए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में आपको बताएंगे किस तरीके से इसको आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जेके आल इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, ताकि जितने भी डेली अपडेट्स होंगे हम तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट PDFs होती हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट PDFs हम जहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि SSC CHLs की जो रिक्रूटमेंट आउट की गई है, इसमें 3712 जहाँ पे टोटल पोस्टें आउट की गई। जी, आप जहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट आपकी पोस्टें रहने वाले, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, लोअर डिविजन क्लर्क की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसे कि आप जहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपकी 12th पास है तो आप इसके लिए पढ़ने वाला तो आप फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, इसमें कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिन लोगों ने 12th पास किया। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ फीस पे करना पड़ेगी। और आपको बता दें, जो SC और ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फी नहीं रहने वाली है। अगर आपको बता दें, अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं या SSC जो CHL का जो फॉर्म लग रहा है, तो जो जहाँ पे आपको जो स्क्रीन नंबर शो हो रहा है इस पे हम आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर को फिर से आपको बताने जाना, 6006543905, जी नंबर आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दूंगा और फाइनल जो रिसीव्ड का PDF है आपको मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज पर सेंड कर दूँगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मुझे भेजने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट किस में रिक्वायरमेंट रहने वाली है। 10th और 12th की मार्कशीट आपकी होना चाहिए, ईमेल ID प्लस फोन नंबर आपका होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप भेज सकते हैं, और सिग्नेचर आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। जितने भी जम्मू कश्मीर में जो भी अदर्स जो अपडेट्स जो आपके रिक्रूटमेंट आउट होंगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जेके आल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।